से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। कुछ लड़के भागने लगे और कुछ उसको पकड़ने लगे ताकि राहुल पर वो दोबारा हमला न करे। फिर उसने उन लड़कों को उठाकर दूर फेंक दिया जैसे कोई टुकड़ा फेंक रहा हो। मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि बगल में रोड उठाकर उसके सिर पर मार दूं जिससे कि वो मर जाए। मैंने रोड उठाई और उसको मारने के लिए उसके गर्दन में रोड को आर पार कर दिया, लेकिन यह क्या, उसको कोई परवाह ही नहीं थी। रोड उसके गर्दन के आर पार फिर भी खून का एक कतरा तक नहीं गिरा था और ना ही उसको कोई फर्क पड़ रहा था। उसने एक हाथ मुझे मारा, मैं दीवार में जाकर लड़ा, मेरे सर से भी खून निकलने लगा। मैं बेहोशी की हालत में पहुंचने ही वाला था कि मैंने देखा कि उसने अपने ताकतवर हाथों से बेहोश राहुल को उठा लिया और उसका खून पीने लगा। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, लेकिन तभी मुझे राहुल का ताबीज याद आया। मैंने उसको टेबल पर रखते हुए देखा। मैं सारा खेल समझ चुका था। मेरी आंखों में एक चमक जागी। मैंने तनिक भी समय गवाए बिना टेबल पर रखे ताबीज की तरफ लपका और ताबीज को उठाकर उस हैवान के शरीर पर फेंक दिया। ताबीज का स्पर्श आते ही वह दर्द से तड़पने लगा और उसके हाथ से राहुल छूटकर नीचे गिर गया। उसके शरीर में आग लग गई और वह जलकर वहीं पर भस्म हो गया। मैं दौड़कर राहुल के पास गया। वह अभी भी जिंदा था लेकिन बेहोश था। तभी मैंने पुलिस को छत पर आते देखा कि किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और एम्बुलेंस को फोन किया और राहुल के शरीर को उठाकर हम नीचे उतरने लगे और ये कहानी एक खत्म हो जाती है। मैंने कहा इन सभी का जिम्मेदार एक भूत है और सारी कहानी कह सुनाई। पुलिस वालों को विश्वास नहीं हुआ। उसने सख्ती से पूछा कि वह लड़का कौन है। उसने मारपीट करके अपना डॉक्यूमेंट लेकर भाग गया। तुम उससे मिले हुए हो और उसको बचाने के लिए एक कहानी बना रहे हो। एक मुसीबत हटी नहीं थी कि अब पुलिस की धमकी। आज मैंने किसका मुंह देखा था, अब मैं कैसे बताता कि ये सही बात है। तभी मैंने सीसीटीवी कैमरा पढ़ा। मैंने कहा वो कैमरा, उसमें सब रिकॉर्ड हुआ होगा, आप लोग देख लीजिए। वार्डन तुरंत कंप्यूटर की तरफ बढ़ा और उसने रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग देखकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कैमरे में हम सब दिखाई दे रहे थे लेकिन वह लड़का कहीं नहीं दिख रहा था। उसमें लड़ते हुए सब दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम सब हवा में हाथ और रोड चला रहे हैं। राहुल को किसी ने उठाया नहीं है, वो तो हवा में उड़ रहा था। वह लड़का जब पहली बार एडमिशन के लिए आया था उस समय का भी रिकॉर्डिंग देखा गया, जिसमें वार्डन हवा से बातें करते हुए हवा से फार्म भराते और अलमारी खोलकर हवा रखते हुए देखा। अब पुलिस को भी विश्वास हो गया कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस वाले क्या करते, उन्होंने हमें सावधान कर चले गए। मैंने तभी कुछ दिनों बाद वो हॉस्टल छोड़ दिया और ये कहानी खत्म हो जाती है। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।